आई आई अनुपमा जी, कैसे आप? बस एकदम ठीक हूँ, थैंक यू। आज क्लिनिक बंद था इसलिए आपको घर पे बुलाना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग मी। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर, वैसे तो मैं अपने परिवार का खाने का बहुत ही ख्याल रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू हमेशा होता रहता है। क्या करूँ जो सबकी हेल्थ अच्छी रहे, उन्हें क्या खिलाऊँ जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी? ये आपकी नहीं बल्कि हर घर की प्रॉब्लम है। आजकल लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए कि उड़ रहे हैं। और ऐसे सुपर हीरोज के लिए हमें चाहिए सुपर फूड। सुपर फूड? जी हाँ, जैसे कि क्विनोआ। क्विनोआ वो क्या होता है? ये एक ऐसा अनाज है जो पूर्ण प्रोटीन का एक शाकाहारी स्रोत है। ये अनाज मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी माना जाता है। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को देखें तो कुपोषण, हृदय की समस्या, डायबिटीज, मोटापा, अनीमिया जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन सब का मुख्य कारण हमारे खाने में पोषण की कमी और अनुचित खाद्य पदार्थों का चयन है। किनोआ को रोज के भोजन में शामिल करने पर कई तरह के पोषक तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका न्यूट्रिशन लेवल बताऊँ तो 100 ग्राम किनोआ में कुछ 14% प्रोटीन मिलता है, जो सभी आवश्यक 9 प्रकार के एमिनो एसिड प्रदान करता है। आज के इस दौर में जहाँ कई तरह की बीमारियों से इंसान परेशान है, हमें चाहिए कि रोज़मर्रा के भोजन में प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें जो हमारे शरीर को विभिन्न तरह के लाभ पहुँचाए। आज का युवा वर्ग जो जंक फूड को ज़्यादा पसंद करता है लेकिन उसमें फाइबर की कमी होती है, उन चीज़ों के उपयोग के बजाय अगर हम क्विनोआ को उपयोग में लें जिसमें 12% फाइबर होता है और इसको बनाने पर एक अनोखा और कुरकुरा टेस्ट आता है और साथ ही इससे बनने वाले व्यंजन भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसके साथ ही क्विनोआ में 4% कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और साथ ही इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इतना अच्छा ऑप्शन और हमें पता ही नहीं। क्या इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्विनोआ हर उम्र के लोगों के लिए एक फायदेमंद ऑप्शन है। इसे पकाते कैसे हैं और इसका स्वाद कैसे होता है? इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसे चावल की तरह पका लें और फिर इसमें कोई भी दिलचस्प व्यंजन बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा किनोआ का उपमा या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल की तरह इसे खा सकते हैं। और तो और बच्चों के लिए कटलेट, इडली या चाट बना सकते हैं और किनोआ पुलाव, राजमा किनोआ ये सब भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इससे हम चपाती या भटूरे भी बनाए जा सकते हैं। और जब कुछ मीठा खाने का मन करें तो इससे हम हलवा, खीर या तो फिर ब्राउनी भी बना सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब इसका चावल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। और इन सारे ऑप्शंस के अलावा आप चावल के साथ मिलाकर किनोआ उत्तपम, डोसा, ये सारी चीज़ें और भी हेल्दी और स्वादिष्ट बना सकते हैं। किनोआ की मदद से और कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चे का बर्थडे केक भी किनोआ से बनाया था और वो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट था। ओह, इसका हर रोज़ यूज़ करना तो बहुत ईजी है और बच्चों के लिए तो ये इंटरेस्टिंग समाधान है। जी बिल्कुल, और मज़े की बात तो ये है कि इसे हम 2 से 3 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये मिलता कहाँ है? RCM ने इसे बहुत आसान बना दिया है। RCM ने इसे स्वच्छा प्रीमियम सीरीज में क्विनोआ को लॉन्च किया है और आप इसे RCM वंडर वर्ल्ड से खरीद सकते हैं। और तो और RCM के यूट्यूब चैनल पर इसकी कई सारी रेसिपीज भी उपलब्ध हैं जिन्हें देख कर आप कई सारे व्यंजन बनाना सीख सकते हैं। बल्कि आइए मैं आपको एक रेसिपी भी दिखाता हूँ।
मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन मार्केट में मिलने वाला किनोवा से स्वेच्छा प्रीमियम किनोवा कैसे बेहतर है? स्वेच्छा प्रीमियम किनोवा राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान की मिट्टी में अच्छी मात्रा में खनिज उपस्थित होने की वजह से यहीं पर उगने वाले किनोवा के बीज आकार में भी बड़े होते हैं और इनमें पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्वच्छा प्रीमियम किनोवा की गुणवत्ता इनके न्यूट्रिएंट एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट के जरिए प्रमाणित की जा सकती है। और हाँ, RCN ने किनोवा के आटे से बने स्वच्छा प्रीमियम किनोवा फ्राइंस भी लॉन्च किए हैं जो फ्राइड नहीं रोस्टेड है, और सामान्य फ्राइंस की तुलना में इसमें विटामिन, मिनरल्स और अनसेचुरेटेड फैट्स और ये प्रोटीन से भरपूर है, तो बच्चे इसे कितना भी खाए चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीत, आपने तो मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। अब तो किनोवा रोज बनेगा और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थैंक यू।